हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 9, जो आपका है लाभ हानि। ये आपका आज पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन का, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों कि लाभ या तो हानि कब होगा, ठीक है। तो लाभ हानि तब होता है जब हम किसी वस्तु को एक जगह से खरीद के लाते हैं और दूसरी जगह पर जाके बेच देते हैं, अर्थात जब तक वस्तु का खरीद और बिक्री ना हो तब तक लाभ हानि नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप मार्केट से कोई भी सामान को खरीद के लाए और घर पर रख दिए, तो वहाँ पे लाभ हुआ या हानि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। या तो समझ लीजिए जब तक हम खरीदेंगे नहीं और या तो बेचेंगे नहीं तब तक लाभ हानि का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर जब आपको क्या करना है, जब आप लाभ या हानि पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम एक बार में एक वस्तु को खरीद के लाएंगे और उसी वस्तु को हम बेच देंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि आपको लाभ हो रहा है या हानि, ठीक है। तो लाभ और हानि का को हम लोग क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए, सबसे पहले उसमें दो टर्म आते हैं। पहला तो आपका आता है क्रय मूल्य और दूसरा आपका आता है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रय मूल्य होता क्या है। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जो वस्तु को हम क्रय करने के समय या खरीदने के बदले में जो पैसा देते हैं उसी को हम बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। अब दूसरा टर्म है आपका विक्रय मूल्य, अर्थात जब वस्तु को बेचने से जो पैसा हमको मिलता है या तो वस्तु के बदले में जो हमको पैसा मिलता है उसी को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ इसको हम देख लेते हैं। क्या है क्रय मूल्य? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, अर्थात वैसा पैसा जो हम लोग क्या करते हैं वस्तु को खरीदने के बदले के लिए देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। मतलब वस्तु को क्रय करने के लिए जो हम पैसा दिए उसी को क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। अब इसी का अपोजिट है विक्रय मूल्य। देखिए जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, अर्थात वह मूल्य पर जिसको हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वस्तु को बेच देंगे उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस। अब अगला टॉपिक आपका आता है लाभ। तो समझिए कि लाभ कब होगा, बताइए लाभ कब होगा, जब हम वस्तु को क्या करेंगे, कम में खरीद के लेके आएंगे और ज्यादा में बेच देंगे। मान लीजिए कोई वस्तु को हम 5 रुपए में खरीद के लेके आए और 7 में बेच देंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का, तो जितना ज्यादा में हम बेचेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या किए, 5 रुपए में कोई वस्तु को खरीद के लाए थे और 7 में हम बेच दिए, ठीक है। तो कितने ज्यादा में बेचे, 2 रुपया, तो ये 2 आपका क्या हो गया, लाभ। तो इसी टाइप से लाभ बराबर आपका क्या हो जाएगा, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य आपका बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तो आपका होगा लाभ। और लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये एक पहला फार्मूला है, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अब दूसरा हानि, हानि कब होगा, जब भी हम कोई वस्तु को ज्यादा में खरीद के लेके आएंगे और कम में बेच देंगे, अर्थात आपका क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, तो आपका होगा हानि, ठीक है। और हानि बराबर क्या होता है, आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु को क्या किए हम, 7 रुपए में खरीद के लेके आए और 5 में बेच देंगे, मतलब खरीद के लेके आए हैं 7 में और बेच रहे हैं 5 में, तो लॉस कितने का हो रहा है, 2 रुपए का। तो ये 2 आपका क्या है, हानि, ठीक है। तो हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहां तक आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका अतिरिक्त लागत मूल्य। अतिरिक्त लागत मूल्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक डस्टर है, ठीक है। अब डस्टर से हमने क्या किया, ये जो डस्टर है इसका क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस क्या है, मान लेते हैं 20 रुपया, ठीक है। अब मार्केट में ये हमको 20 रुपए में मिल रहा है, ठीक। तो जाएंगे तो लाने में कुछ तो इसका चार्ज लगेगा ना, तब मान लेते हैं कि 2 रुपया इसको लाने में लगा, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे बेचेंगे, तो पहला तो हम इसको 20 रुपए में खरीदे थे और 2 रुपया इसका क्या लग गया, किराया लगा ना लाने का, तो मेरा ये कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 22 रुपया हो जाएगा। अर्थात ये जो 2 रुपया हम किराया दिए उसी को हम बोलते हैं अतिरिक्त लागत मूल्य, ठीक है। और ये जो अतिरिक्त लागत मूल्य है ये वस्तु के कॉस्ट प्राइस में ही एड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला आपका है क्या, अगला आपका है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। जो आपका लाभ आया उसी को अगर हम प्रतिशत में चेंज कर देंगे तो वही होता है लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ, देखिए लाभ की तुलना हमेशा कब किससे की जाएगी, क्रय मूल्य से, ठीक है। मतलब लाभ हमको उसी पे होगा जितना में हम खरीदेंगे, अगर कम में बेच दिए तो मेरा लॉस हो जाएगा बोले तो हानि, और अगर क्रय मूल्य से ज्यादा में बेच दिए तो मेरा क्या होगा, मेरा हो जाएगा लाभ। चलिए देखते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, आपका लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100, ये आपका क्या है, फार्मूला है। अब इसी की बात करें हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100,
ठीक है। तो ये सब एक बार आप क्या कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।